देंगे इन महकमों को हड़ताल का जो मैसेज है। हमने देखा कोरोना की इस महामारी में साथियों, हमने भी उनमें वेतन नहीं है। चार दिन पहले की खबर अगर किसी साथी ने पढ़ी हो भास्कर में, अडानी मोदी का या इस खट्टर का एक सफाई कर्मचारी के पैर धो के पीवे है। नाटक कौन सा लड़ गया मोदी साहब, पैर धोन के पीण के तेरे कटते होंगे कोई कर्म, लेकिन हमने हमारे पेट में जब तक खान में रोटी ना होगी, हमारे बच्चों को रोजगार सफाई नहीं होगा, ये महकमे सरकारी ना रहेंगे। इतने चाहे किसी धारा लगा ले, हमने ऐसा इसी धारा पता नहीं क्या क्या देखा है, करके देख ते बुला ले तेरी पुलिस फोर्स ने, ये बैठे सारे साथी धारा 144 टूटनी होगी। पांच साथी इकट्ठे हो जाए तो टूटे है धारा, आज सैकड़ों कर्मचारी है कर गिरफ्तार, और ये कर्मचारी अकेले नगर निगम के हैं, सारे महकमे में जाके देख ले। कर ली होगी पूरी कोशिश हड़ताल हमारी पूरे देश में, जो पिछली हड़ताल हुई आंकड़े सामने आ जाएंगे, उस हड़ताल जो पीछे हुई है उससे भी ज्यादा लोग इस हड़ताल में जाके तेरी नीतियां के खिलाफ आज खड़े हैं। हम देखा होगा साथियों, बने अभी बिहार के चुनाव में किस तरह नंगापन करे है इस सरकार ने, जीत रहे हैं विपक्ष के लोग, अधिकारियां तो मिल मिलकर रिजल्ट चेंज करवा दिए राज्य में आने के लिए, किसे भी हद तक जा सके हैं, क्योंकि जब हम गुलाम थे साथियों, ये वे लोग हैं जो उनकी चाटुखोरी करके मारे, जो क्रांतिकारी थे उनकी सीआईडी दे के उन्हें पकड़वाने का काम, उनकी खाली पदों पे स्थायी भर्तियां करें इन मांगों को लेके, और जनता को ये रियायत रेटों में सुविधाएं मिले, इन मांग के लिए ये हड़ताल है। और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में सरकार जिस तरह से इस हड़ताल को तार पीड़ो करने का काम कर रही है, धाराएं लगा रही है, कर्मचारी नेताओं को, किसान नेताओं को गिरफ्तार कर रही है, इससे ये दबने वाली नहीं है, निश्चित तौर पर बातचीत के माध्यम से समाधान किया जाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि कब तक आपकी हड़ताल जारी है? हमारी हड़ताल ये सांकेतिक हड़ताल है, हमारी हड़ताल सिर्फ 24 घंटे की है, 26 नवंबर को, और इसके बाद भी अगर सरकार ना मानती है तो ट्रेड यूनियन जो फैसला करेगी हम निश्चित तौर पे फूल मालाएं चढ़ा के आगे भी लंबा आंदोलन कर सकते हैं। इस हड़ताल का जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, जो पूरे देश में ट्रेड यूनियन के आह्वान पे हो रही है, वो सारा प्राइवेट सेक्टर करने जा रही है सरकार, उसका विरोध प्रदर्शन की हड़ताल। तो ये कब तक रहेगा? ये जो हमारी बड़ी ट्रेड यूनियन है उनका फैसला रहेगा, ये कब तक चलाएंगे हम, जैसे भी उनके आदेश हो गए उसके आदेश की पालना करते हुए इस आंदोलन को आगे तक बढ़ाने का हमारा काम है, वो हम करेंगे। और जिस तरीके से निजीकरण की बात करें तो ये कोई पहली बार नहीं है कि सरकार लगातार ऐसे निजीकरण करती जा रही है, तो आपको सरकार की क्या मंशा लगती है? इस सरकार की पहली बात तो ये सरकार है ही नहीं, एक नाम से सारे सिस्टम को चलाया जा रहा है, वो नाम है नरेंद्र मोदी। कोई सरकार नहीं है भारत के अंदर, कोई संविधान के अनुसार कोई कार्य नहीं हो रहा, जो संविधान में हमें अधिकार मिले हुए हैं उसका आनंद ये अकेला नरेंद्र मोदी करते हैं, और सब कुछ हैंग अपने हाथ में करते हैं, इस देश को बर्बादी की तरफ ले जाने जा रहे हैं। तो निजीकरण से क्या दिक्कत? निजीकरण से ये दिक्कत है, निजीकरण से तो पूंजीपतियों को जो बढ़ावा मिलता है, कर्मचारियों की जन सुविधाएं जो सरकार, जो हमारे संविधान में जन सुविधाएं जनता को देने के लिए, वो प्राइवेट सेक्टरों के हाथों में हमारे हाथ से खिसकती जा रही है और महंगी होती जा रही है। पहले जब सरकार के हाथ में बिजली थी तो गरीब आदमी उसका बिल भर सकता था और उसका यूज कर सकता था, जैसे जैसे प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये हमारे सरकारी महकमे समाते जाएंगे तो ये महकमे जो है जनता को सुविधा नहीं दे पाएंगे, जो वे ये वो सुविधा हो जाएगी, जिसके पास पैसा है वही ये सुविधा ले सके। प्रशासन को क्या कुछ कहना? प्रशासन भी इस सरकार के अधीन है और वो हैंग कर रखा है, प्रशासन भी अपनी अगर बात रखना चाहे तो वो बात नहीं रख सकते। प्रशासन से हम क्या कहेंगे, प्रशासन खुद ये सोच रहा है कि भाई कोई पहलकदमी करके इस देश को इस जो बीजेपी जैसे राक्षसी रूप के जो लोग बैठे हैं इनके हाथों से किस तरह से इस देश को छुटाया जाए और संविधान के जो नियम है उसके हिसाब से देश चलाया चला जाए, ये प्रशासन भी ये सोच रहा है और
बंधा हुआ है प्रशासन, बोल नहीं सकता, लेकिन उनकी दिल की भावना यही है कि जो ये मोदी में मोदी है तो मुमकिन है, ये बात का नारा है बीजेपी सरकार नहीं है, इस देश में सरकार तो है ही नहीं। आज देख लो आप, नरेंद्र मोदी के अलावा किसी और नेता का, मंत्री का कोई नाम अगर इस देश में लेकर दिखा दें, हम मान लेंगे कि सरकार है। अगर बीजेपी की बात करें तो लगातार वो तो ये कह रही है कि सबका साथ सबका विकास। हाँ, सबका साथ तो नहीं है, लेकिन कॉर्पोरेट जो घराने हैं, अमीर घराने हैं, उनका साथ जरूर है, जो उनको बाहर विदेशों में अपने अपने हेलीकॉप्टर दे करके भेजते हैं, और भारत की जो पूंजी है वो अपने विदेशी हाथों में दे रहे हैं। ये कह रहे थे कि काला धन लाएंगे, कहाँ है वो काला धन? काला धन तो उल्टा इनके खातों में डल के एक बार सफ़ेद होकर के वो दोबारा काला होने के लिए विदेश में चला गया।